तो ब्रिज रेक्टिफायर का क्या रहता है दोस्तों, ये दो यहाँ पे आपस में मिली हुई हैं, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है तो ये इनका पॉजिटिव हो गया दोस्तों। जहाँ पे ये सिल्वर पट्टी दिख रही होंगी आपको, मैं पास से दिखा देता हूँ एक बार, ये दो सिल्वर पट्टी है दोस्तों, इसके ऊपर मार्किंग, ये दोनों आपस में यहाँ मिल गई है। इसको पीछे करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा पॉजिटिव सेक्शन हो गया, जहाँ पे इसका कैपेसिटर का भी पॉजिटिव यहाँ मिला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा ट्रांसफार्म आएगा, ट्रांसफार्म की जो दो तारें होंगी दोस्तों तो वो कैसे होंगी। तो दोस्तों एक तो ये वाला जो सिंबल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखिए पॉजिटिव तो हमारा ये हो गया, और यहाँ पे दो डाइडे ये मिल गई है, जहाँ पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे ये पट्टी और बिना पट्टी की, तो एक हमारा ट्रांसफार्म का वायर यहाँ लग जाएगा और एक यहाँ लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इतना जो सेक्शन है, ये हमारा वोल्टेज का हो गया। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो जो यहाँ से सेकंड पॉइंट है ये वाला, ये यहाँ पे गया तो यहाँ पे है कैपेसिटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एंड हो गया ना लाइन का, यहाँ पे कैपेसिटर लगा है। तो कैपेसिटर के अंदर दोस्तों ये एक नेगेटिव सेक्शन है जो ये वाला माइनस का, ये आ जाता है यहाँ पे, तो ये हमारी स्पीकर की यहाँ पे हो गई वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ये देखिए आप, ये हमारा जो नेगेटिव था कैपेसिटर का, यहाँ से एक लाइन घूम के यहाँ पे इस पिन पे आके यहाँ पे ऐसे घूमी हुई है, तो ये नेगेटिव हमारा हो गया, ये पूरा नेगेटिव है। जो हमें ऑडियो इन देनी है दोस्तों, जो सिग्नल का आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस पे तो यहाँ पे, तो ये दो कई बार दोस्तों यहाँ पे आपस में जम्फर कर देते हैं, तो ये सिंगल उसी हिसाब से हो जाता है। तो दोस्तों ये इसका हो गया। और दूसरा दोस्तों हमारा जो स्पीकर का वायर है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इस चैनल पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस चैनल पे आ जाएगा हमारा, जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो कैपेसिटर है फ्रेंड्स हमारा, इसका जो नेगेटिव सेक्शन है वो आप देख सकते हो यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे ये दो स्पीकर की वायर हो गई। तो इस टाइप से दोस्तों इसका मान लो कार्ड का कनेक्शन होता है CD6283 का। तो दोस्तों ये ओरिजिनल IC लगी हुई है 6283 की, ये जो ट्रायंगल शेप देख रहे हो ये ओरिजिनल की निशानी होती है। तो ये हमारा जो 6283 का बोर्ड है, इस टाइप का इसका कनेक्शन होता है। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जो हमने आपको 6283 का जो बोर्ड दिखाया था वो इसके अंदर लगा हुआ है। तो अगर मैं इसके अंदर का आपको समझाता तो ज़्यादा तार की वजह से आपको ना समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने पहले समझा दिया। बाकी मैं इसके अंदर भी आपको बता दूंगा जो भी है, तो आप मान लो कुछ सीखने को ही मिलेगा, इसमें आपका लॉस नहीं है कुछ भी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मान लो इंटरेस्ट रखते हैं तो कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये पीछे का खुला हुआ था, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जिसका भी है उसने सारी वायरिंग अंदर से मान लो इसकी तोड़ रखी थी, तो इसकी जो सारी वायरिंग वो दोबारा से हमको करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर 4 इंची जो रेडियो वाले स्पीकर होते थे वो इसके अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, ये देख सकते हो 2 स्पीकर है यहाँ पे, मॉड्यूल वगैरह लगे हुए हैं, ये इसका बोर्ड हो गया और ट्रांसफार्म हो गया। तो फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले हम अच्छे से मान लो चेक करेंगे, और जो भी ये एक आध वायर लगी हुई है ना, इसको सबको हटा के हम दोबारा से इसकी वायरिंग करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये इसका मान लो 6283 का बोर्ड लगा हुआ है, तो आप देख सकते हो इसको फ्रेंड्स। मैंने है ना, इसका लंबाई ज़्यादा थी तो मैंने इसको डायरेक्ट मान लो एक बार खड़ा कर दिया, तो इसको मैं मान लो साइड भी चेंज कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो ये इसका मान लो बोर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर जितनी भी वायर थी मान लो टूटी हुई है, एक आध लगी हुई है, तो हम इसको दोबारा से वो करेंगे। तो ये मैं इस टाइप से इसको रख लेता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से दिखे। तो दोस्तों यहाँ पे इसको एक बार मैं सेट कर लेता हूँ, और उसके बाद देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये 2 स्पीकर इसके अंदर दिए हुए हैं। ये यार हिले जा रहा बार बार में, तो ये देखिए इसका बोर्ड है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके यहाँ पे ये जो है इनपुट वायर है दोस्तों, ये आउटपुट है।
तो सबसे पहले लाइट में लगा के हमें ट्रांसफार्मर चेक करना है कि मान लो ठीक है या नहीं है। तो आपके पास अगर कुछ नहीं है चेक करने के लिए, तो इसमें आपस में आप भिड़ा के इसको देख ले, आपस में तार टच करोगे तो स्पार्क होगा हल्का हल्का, तो उसका मतलब ये ठीक है। तो हमेशा जो मान लो प्राइमरी कॉइल होती है जो इनपुट की, वो रेड वाली होती है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अगर कई कलर और हो तो आप मल्टीमीटर से भी इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये कुछ वायरिंग है, तो ये यहाँ पे देखिए सर्किट बोर्ड जो है पूरा ही इन्होंने प्रिंट वगैरह भी पूरे निकाल रखे हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि इसका जो पूरा प्रिंट है वो इन्होंने निकाल रखा है। तो अभी हम वन बाय वन करके इसका वो कर देते हैं। तो इसका भी डिटेल सेम वैसा ही है, तो 78.05 लगा हुआ है 5 वोल्ट की सप्लाई के लिए। ये कैपेसिटर जैसे मैंने आपको बताया था उस टाइप से यहाँ लगा हुआ है फ्रेंड्स, कि जितने का ट्रांसफार्म होता है जितने वोल्ट का, उतने से ज़्यादा डबल वोल्ट का इसमें लगेगा। मान लो 9 वोल्ट का ट्रांसफार्म है तो 16 वोल्ट का आप लगा सकते हो, 12 का है तो 24 का 34 का ऊपर बढ़ा सकते हो, कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये इसका ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये स्पीकर की वायर है दोस्तों तीन, तो तीन कैसे है? मैं दिखा देता हूँ आपको। एक में देखिए रेड और ब्लैक लगी है, तो इसमें ब्लैक में से उठा के यहाँ पे सीरीज बना दी इसकी, और जो एक ये जो है वायर येलो, तो ये मान लो ये दूसरे स्पीकर का हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मैंने आपको बता दिया लेकिन मैं ना आपको बताता भी रहूँगा। तो यहाँ से हमारी पिन शुरू होती है, 1 नंबर 2 नंबर, ये जो कट लगा हुआ है इसकी तरफ, ऐसे इसको उल्टा रखेंगे तो हमारे लेफ्ट साइड से देखिए एक यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा 1 नंबर, जहाँ पे मैंने चिमटी रखी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये मैंने ट्रांसफार्मर की यहाँ जोड़ ली है, ये मान लो इसकी जो सेकंड पिन है इस पे से ये यहाँ पे घूम के आ गई, जहाँ पे ख़त्म होता है तो वहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है फ्रेंड्स एक, तो ये इसका जो नेगेटिव होता है कैपेसिटर का, उस पे हमारी स्पीकर की एक वायर यहाँ लग जाती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये आ गया है यहाँ पे इसका, और ये जो नेगेटिव है उसके अंदर हमने स्पीकर के आउटपुट का वायर लगा दिया है, ये देखिए यहाँ से। और दूसरा चैनल का दोस्तों ये यहाँ से मान लो आए गए निकल के वायर, तो यहाँ से आप पिन गिन लेना, पिन गिनने के बाद में यहाँ से आप देखोगे ना तो उल्टी साइड से तीसरा पॉइंट है इसमें, यहाँ पे ये लगा होता है, तो इसके अंदर भी आपको एक पीएफ लगा होगा, तो उसके अंदर इसके दूसरे चैनल की वो रहती है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा जो ट्रैक है जो लंबी पट्टी है दोस्तों, ये हमारा नेगेटिव हो गया, तो स्पीकर का नेगेटिव यहाँ लग जाएगा, ऑडियो इन का लगाओगे वो भी यहाँ पे लग जाएगा इसमें, ठीक है। ऑडियो इन का भी जो नेगेटिव होता है ग्राउंड का, वो भी यहाँ लगेगा। तो ये इसका इनपुट हो गया दोस्तों यहाँ पे, ये आप देख सकते हो ऑडियो इनपुट हो गया। और एक यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ कि जम्पर दे रखा है इन्होंने एक छोटा सा, तो एक ये यहाँ पे हो गया, ये जम्पर को हटा के दोस्तों ये डबल चैनल में भी काम कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का एक छोटी सी इसकी मान लो ये डायग्राम था दोस्तों वायरिंग का, तो आप समझ गए होंगे, नहीं फिर वीडियो को आप शुरू वाला पार्ट जरूर देख लेना। ये दोस्तों बेस्ट ट्रेवल के लिए मैंने यहाँ पे बनाया छोटा सा जुगाड़, एक पीएफ दे दिया, एक रेजिस्टेंस, तो इसे वॉल्यूम बेस्ट ट्रेवल तीनों का मान लो बटन इसके अंदर आ गए हैं। तो अब इसकी टेस्ट कर लेते हैं एक बार।